दोस्तों, अगर पिछले कुछ सालों से आप देखोगे तो पूरी दुनिया में सिर्फ युद्ध का ही माहौल आपको नजर आएगा। जहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना इस युद्ध का उससे भी ज्यादा फायदा उठा रहा है। एक तरफ ताइवान को घेर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत और जापान जैसे देशों को धमकी दे रहा है। दोस्तों, यहां पे आपको मैं बता दूं, आज बिल्कुल चाइना की रातों की नींद हराम हो गई होगी। तो इस समय अगर आप देखोगे, या तो फिर युद्ध चल रहे हैं या फिर युद्धाभ्यास, और इसी को देखते हुए चाइना के जितने भी विरोधी देश हैं, एक युद्धाभ्यास को सभी मिलके एक युद्धाभ्यास को अंजाम देंगे। दोस्तों, जहां पे ये जो युद्धाभ्यास होगा, इसका नाम है पिच ब्लैक युद्धाभ्यास। और इस युद्धाभ्यास में लगभग 17 देश शामिल होंगे, और 17 देश अपने अपने एडवांस फाइटर जेट, क्योंकि दोस्तों हवाई युद्धाभ्यास होगा, तो इस वजह से दुनिया के सभी देश जो कि खासकर दुनिया पर राज करते हैं, वो भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ देशों का नाम भी बताता चलूँ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड, मलेशिया, न्यूजीलैंड और फ्रांस, देश अपने एडवांस से एडवांस फाइटर जेट्स इस युद्धाभ्यास में लेके आने वाले हैं। जहाँ एक तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान अपना सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को लाने वाला है, तो दूसरी तरफ फ्रांस अपना फाइटर जेट राफेल को लाने वाला है। जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी अपना यूरो फाइटर लाने वाला है। यानी कि दोस्तों, इन सभी देशों ने अपने एडवांस से एडवांस फाइटर जेट इस युद्धाभ्यास में उतारे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी यहाँ पे अपने सुखोई फाइटर जेट भेज दिए हैं, और इन 4 सुखोई फाइटर जेट को देख के पूरी चाइना की सेना हिल गई है। क्योंकि आपको पता होगा, इस टाइम हमारे पास ज्यादा की संख्या में अगर कोई फाइटर जेट है तो वो है सुखोई। खास बात दोस्तों यहाँ पे ये भी है कि ये जो युद्धाभ्यास होगा, इसमें हमें F-35 राफेल जो एडवांस फाइटर जेट है, उनके बारे में जानने को मिलेगा। जितने भी देश यहाँ पर इस युद्धाभ्यास में जा रहे हैं, उसमें से ज्यादातर सभी देश चाइना के दुश्मन हैं। तो चाइना के लिए तो बिल्कुल आप ये जान लीजिए, दिन सबसे बुरा दिन होगा। चाइना के ऊपर प्रेशर बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि दोस्तों इस टाइम आपने देखा होगा जिस प्रकार चाइना ताइवान पर लगातार अपनी मिसाइलों से हमला कर रहा है, अपने बैलिस्टिक मिसाइलें उसके ब्लास्ट करवा रहा है, ये काफी बड़ी बात थी। और इसी की वजह से ये सभी देश युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस युद्धाभ्यास से क्या चाइना के ऊपर सच में प्रेशर बनाया जा सकता है या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए। और वीडियो समाप्त करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।